इस वाले एपिसोड का नाम है द अनस्टॉपेबल गोहान। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारे जी वॉरियर थे उन सब की बहुत अच्छी धुलाई होने के बाद वो सब के सब गिर चुके थे, लेकिन गोहान को उसकी नई फॉर्म मिल चुकी थी और वो सुपर सैयन 2 के लेवल पर पहुंच चुका था। और गोहान वो पहला इंसान था जिसने ये वाली फॉर्म अभी तक अचीव की थी। गोहान ने एक ही झटके में सारे सेंस ऑफ बीन सेल से छीन लिए थे और फिर बाद में उसने सारे के सारे जूनियर सेल से फाइट की थी और एक एक करके उसने उन सबको मार दिया था और उन सबकी हालत ऐसी पतली कर दी थी बहुत ही खतरनाक वाली। और फिर उसने सेंस ऑफ बीन दे दिए थे ट्रंक्स को और कहा था कि तुम सब के सब ये सेंस ऑफ बीन पूरे के पूरे जी वॉरियर में बांट दो, और आकर खड़ा हो गया था सेल के सामने और लड़ने के लिए तैयार था। और सेल को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और जो गोहान है वो अभी भी घूर रहा था सेल को, और जो सेल है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और सोच रहा था कि इतनी इतनी जल्दी इतनी आसानी से उन सबको कैसे मार दिया जबकि वो तो मेरे जितने ही ताकतवर थे। और फिर जो ट्रंक्स होता है वो आता है क्रिलिन के पास और क्रिलिन के पास आने के बाद उसे कहता है कि मेरे दोस्त ये खा लो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और क्रिलिन उसे चबाता है और ठीक हो जाता है और ट्रंक्स दूसरे बंदे के पास चला जाता है मतलब कियान के, उसे सेंस ऑफ बीन देता है। जो क्रिलिन है वो कहता है कि पर गोहान, जो ट्रंक्स है उसे बताता है कि वो अब पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है और ऐसा लग रहा है जैसे वो बड़ा हो गया, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और जो ट्रंक्स है इतनी देर में यामचा और टियान को भी सेंस ऑफ बीन दे देता है और वो सब खड़े हो जाते हैं। और ट्रंक्स उन्हें कहता है कि दोस्तों फटाफट यहाँ से निकलो, यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं क्योंकि गोहान की पावर अब ज़्यादा बढ़ चुकी है तो ये पढ़ाई और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। मैं गोको और पिकोलो को सेंस ऑफ बीन देकर आता हूँ। सेल होता है वो कहता है कि अब लड़ाई शुरू करें। जो गोहान है स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और हवा में जाकर खड़ा हो जाता है। फिर सेल उसके ऊपर अटैक करने जाता है और वो भी गायब होकर दूसरी ओर चला जाता है। गोकू जैसे ही सेंस ऑफ बीन खाता है वो देख लेता है कि गोहान हवा में उड़ रहा है और वहीं पर उनकी फाइट हो रही है, लेकिन गोहान के ऊपर सेल बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा होता है और वो बचता रहता है और वो अचानक से उसका हमला रोक लेता है। और फिर गोहान भी उसके ऊपर अटैक करता है, फिर सेल भी उसके सारे अटैक रोकने लगता है, लेकिन वेजिटा देखकर पहचान लेता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि गोहान कोशिश भी नहीं कर रहा हो, वो बिना कोशिश के सिर्फ आम बच्चों की तरह उसके साथ खेल रहा है। और जो पिकोलो है वो कहता है गोकू तुमने जो उम्मीद थी वो पूरा हुआ क्योंकि गोहान पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गया है, अगर तुम्हें पहले ही पता था कि तुम उसे नहीं हरा सकते तुम इसलिए लड़े ताकि गोहान सेल के लड़ने का तरीका देख सके। और गोकू ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और ट्रंक्स कहता है क्या ये बात सच है गोकू, लेकिन गोकू मुस्कुराने लगता है और कुछ नहीं बोलता। और हमें दिखाया जाता है जो एंकर है वो बोलने लगता है कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और ये बराबर की टक्कर ले रहा है सेल की और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सेल को हरा सकता है। और फिर उसके बंदे उसे बताते हैं कि अरे सर आपके पास माइक नहीं है और हमारा कैमरा भी खराब हो चुका है। और बाकी के लोग जो टीवी देख रहे थे वो कहते हैं कि क्या होगा अगर वो बच्चा हार गया तो हम सब तो मारे जाएंगे, लेकिन उनमें से एक बंदा बोलता है कि उसे सिर्फ मिस्टर सैटर्न हरा सकते हैं। और फिर अचानक से वो सब के सब लोग डरने लगते हैं और फिर जो मिस्टर सैटर्न हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन ये मेरा एहसान मंद है क्योंकि मेरी वजह से ये अभी इतना ताकतवर हो पाया है वरना ये अभी तक हार चुका होता। और तभी जो सैल आकर अटैक करता है गोहान पे और गोहान एक आदमी को बचाने के लिए आ जाता है और जैसे ही सैल उसके ऊपर अटैक करता है गोहान वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और गोहान उस आदमी को बचाकर यानी उस पहलवान को बचाकर उन सब एंकर को लेकर एक पहाड़ पर छोड़ देता है और सैल कहता है कि तुम वहाँ पर कैसे गए। और गोहान उड़कर आ जाता है और आकर खड़ा हो जाता है सैल के सामने और सैल को घूरने लगता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो गोहान का शरीर होता है उसमें से बहुत सारी विद्युत चमकने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लगने लगता है। जो पिकोलो है वो कहता है कि तुम्हारी लड़ाई की वजह से उसे बहुत ज़्यादा मदद मिली है, उसने उसके सारे दांव पैंत देख लिए हैं। जो गोकू है उसे बताता है कि जो गोहान है वो अब ऐसे लेवल पर है उसे मदद की कोई ज़रूरत नहीं। जो वेजिटा है वो कहता है कि ये तो पहले से ही कम था क्या कि क्या करोट मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, अब उसका बेटा भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर तभी टंक्स आ जाता है और आपका सेंस ऑफ बीन देता है वेजिटा को। वेजिटा कहता है अरे मुझे सेंस ऑफ बीन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसके हाथ में से सेंस ऑफ बीन ले लेता है और खा लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोहान बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है सेल के साथ और सेल फिर ज़मीन पर आकर खड़ा हो जाता है और आकर कहता है कि अरे अब मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। जो गोहान है वो कहता है कि चलो फिर दिखाओ ना, सेल को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी पावर दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वेजिटा कहता है इसने इतनी पावर छुपा कर कहाँ रखी है। जो ट्रंक्स है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है ताकि गोहान को डरा सके। और जो सेल है अपनी पावर को बाहर निकालने लगता है और अपना ऑरा बढ़ा लेता है, उसके शरीर के चारों तरफ पीला पीला ऑरा आ जाता है
होता है और जिसकी एनर्जी की वजह से मिस्टर सैटर्न भी बहुत दूर जाकर गिरते हैं और पूरी ज़मीन पर भूकंप आने लगता है, सारी की सारी धरती हिलने लगती है और बहुत ही तेज अंधी तूफान आने लगता है और सारे के सारे पहाड़ भी हिलने लगते हैं और बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। और जो वेजिटा है वो कहता है कि ये तो सचमुच अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और जो क्रिलिन है वो कहता है कि ये मॉन्स्टर आखिर है क्या चीज़। लेकिन जो सेल होता है उसके शरीर में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और जो शहर में खड़े हुए लोग होते हैं जो टीवी देख रहे थे वो कहने लगते हैं ये आखिर है क्या, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि पृथ्वी का अंत होने वाला है, ये शायद अंत है, ये ही आखिरी टाइम चल रहा है, अब हम नहीं बचेंगे। फिर टीवी देख रही होती है जो चीची, वो कहती है कि बेटे गोहान तुम कहाँ हो, तुम ठीक भी हो ना, मेरा बेटा गोहान तुम कहाँ फंस गए। और फिर हमें वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट हो रही थी, सारे के सारे दिवोरियर बैठे रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मौसम शांत हो जाता है और जो गोगो है वो हवा में उड़ा रहता है और देखता रहता है कि जो सेल है वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और जो सेल है वो अभी भी बहुत ज़्यादा रुक के तर रहा होता है और जो गोहान है उसके सामने बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ चुपचाप उसे देखता रहता है। और जो गोकू है वो कहता है कि यकीन नहीं होता, ये तो सच में ताकतवर हो गया है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। जो क्रिलिन है वो कहता है कि क्या गोहान उसे हरा पाएगा। जो गोकू है वो कहता है कि टेंशन मत लो, वो अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो सेल है वो कहता है क्या तुम चौंक गए गोहान। जो गोहान है वो कहता है बस तुम में इतना ही दम है। और फिर सेल स्पीड से जाता है और जाकर मुक्का मारता है गोहान के मुँह पर और ट्रंक से वो कहता है ये ताकतवर के साथ साथ तेज भी हो गया है। जो वेजिटा है वो भी यही बात बोलता है और फिर लेकिन गोहान को उसके पंच का ज़्यादा असर नहीं पड़ता और वो वहीं का वहीं रुका रह जाता है। और फिर गोहान पूरी स्पीड से उसके पेट में एक मुक्का मारता है और उसकी हालत पतली हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर जो गोकू है वो आकर खड़ा हो जाता है ट्रंक्स के सामने और फिर जो गोहान है वो एक और मुक्का मारता है सेल को और सेल की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके लिए खड़ा होना भारी हो जाता है और उसके मुँह से खून आने लगता है। और वो कहता है कि गोहान ने अभी सिर्फ दो ही मुक्के मारे हैं और मैं अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा हूँ, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसने दो मुक्के में ही मुझे जैसे सबसे महान योद्धा की ऐसी हालत कर दी है। जो क्रिलिन है वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि गोहान जीत गया है। पिकोलो कहते हैं कि नहीं, जब तक ये मैच मुकम्मल नहीं होता तब तक ये किसी को भी जीता हुआ नहीं मानना चाहिए। और जो ट्रंक्स है वो कहता है कि मैं नज़र तो नहीं लगाना चाहता पर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्रिलिन सही कह रहा है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी ज़्यादा हम वीडियो बना पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना।